हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी व्रत का टाइम आ गया है, नवरात्रि शुरू हो गई है, और नवरात्रि में हम किस तरीके से क्या खाएं, रोज़ वही वही चीज़ हो जाती है। तो आज के लिए मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी रहेगी नमकीन है, और वो भी फलाहारी नमकीन बनाने जा रहे हैं, आलू भुजिया, वो भी मोटी वाली सेव बनाएंगे हम। तो चलिए उसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सामग्री में मैंने लिया है आलू भुजिया बनाने जा रहे हैं हम। तो दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं, और काली मिर्च का पाउडर लिया है आधी चम्मच, आधी चम्मच मैंने खड़ा जीरा लिया है, और व्रत के लिए हम बना रहे हैं तो सेंधा नमक लिया है आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं, कई जगह पर खाई जाती है व्रत में, कई जगह पर नहीं भी खाते हैं, तो आप चाहे तो ऐड कर दें, नहीं तो क्विट भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आटा लिया है राजगिरे का आधी कटोरी, और थोड़ा ऑयल लिया है। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल रख दिया है गरम, और अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आलू हमें अच्छे से उबालना है, अच्छी क्वालिटी के आलू लेना है। ये देखेंगे इस तरीके से हमारे आलू दिख रहे हैं, और वाइट वाले ही आलू हमें लेना है। इस तरीके से हम इन्हें आलू को छील लेंगे। ली है, और इसमें जो छन्नी है थोड़ी मोटी वाली लगाई है, मोटी सेव बनाने जा रहे हैं हम। तो ये मशीन है, और अब हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। इसमें हम ऑयल लगा देंगे अच्छे से।
करेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप जरूर बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।